फ्रूट्स है, पोहा, आलू भाई, सब्जी है, पूरी आएगी इसमें, पूरी है, गरम पूरी भी आएगी, ब्रेड बटर, ये जैम बटर, ब्रेड बटर, जैम बटर, ये जैम बटर टोस्ट है, वो भी टोस्ट है, फिर बॉइल्ड एग है, शायद से इसमें सीरियल्स है, सीरियल्स कॉर्नफ्लेक्स है। मॉर्निंग दोस्तों, कशी आहात? मजे ना, मजेदार सर पाजी। देखो आज राइडिंग जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहना है, रीज़न ये है कि अभी हम लोग कर रहे हैं सिटी टूर, लेह का सिटी टूर। लेकिन उसके पहले है ना, मैं जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर में। थोड़ा सा आवाज़ अलग ही, पीछे के पहियों से अलग आवाज़ आ रहा है, तो वो दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो पहले वो दिखाऊँगा क्या इशू है, देखूँगा, फिर बाद में आगे चले जाएंगे। ओरे बाप रे, चलो मिलते हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, पहले जाते हैं फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। सेंटर से गाड़ी निकाल के हम लोग चल रहे, क्या क्या काम किया वो बताता हूँ। उसने उसने जो काम किया है ना, वो किया है ब्रेक पैड्स दोनों भी घिसे, फिर चेन क्लीन किया, बहुत इम्पोर्टेंट था यार, बहुत ज़्यादा गंदा निकला, चेन क्लीन किया, और चेन ल्यूब तो मैं करूँगा, मैंने बोला कि चेन ल्यूब मत करना, मैं करूँगा करके। चार काम किया, 338 रुपीज़ हो गए। अब हाँ, तो अभी हम लोग पहुँचे शे विलेज, यहाँ पे शे पैलेस, और हम लोग जा रहे हैं आगे, यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता शे पैलेस के लिए, लेकिन हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं स्कूल देखने के लिए। कौन सा स्कूल? रांचो का स्कूल। तो हम लोग ने एंट्री किया है रांचो के स्कूल के अंदर, फुनसुक वांगडू। बाइकर्स ही बाइकर्स, कसम। रांचो के स्कूल में आए और ये अंकल मिले। अंकल आपका नाम बोलो। गोपाल शाह सुमन फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से आए तो इन्होंने फोटो वगैरह खींचा। तो अंकल अपना मेरा चैनल है सुशील शिंदे व्लॉग, आप आएंगे देखा आपको तो भी भेज देगा। अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, यू आर अ ग्रेट मैन। वन सेकंड में हमारा साथ बॉन्डिंग हुआ। आपका चैनल मैंने आरो कोशिश शेयर प्लीज फ्रेंड्स, उसको चैनल में ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। रेंचो स्कूल, ये देखो कौन सा स्पॉट पे है, जहाँ पे वो बच्चे लोग ने ये डाला था। हाँ, कौन था वो? चतुर महालिंगम था, इधर सुसु कर रहा था तभी, ऊपर से खिड़की से उन्होंने बल्ब डाला था। अभी रांचो का स्कूल का विजिट देख करके हम लोग जस्ट बाहर निकले गाड़ी निकालने के टाइम पे, वो जो बाजू में इनोवा खड़ी है ना, वहाँ से समीर चौगुले जो मराठी जी नहीं, कौन सा मराठी यार, सोनी मराठी पे हास्य जत्रा जो लगती है ना, उसमें वो एक्ट करते हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, और उनका राइटिंग भी अच्छा है,
वो राइटर स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं, जाके चेक करना। अब फोटो मैं डाल रहा हूँ, हम लोग ने फोटो खींचा, ये देखो ये फोटो है। तो अभी पहुंच गए हॉल ऑफ फेम। तो ये है ना कारगिल में जो शहीद हो गए ना उनके बारे में ये, तो इसके लिए ये मस्ट विजिट था, तो इसके लिए आए हैं अभी हम लोग। हॉल ऑफ फेम करेंगे फिर देखते हैं लेह पैलेस करने का है कि नहीं करने का है। शांति स्तूप तो हम लोग बाद में करेंगे। ये है देखो हॉल ऑफ फेम। क्लोज है सर जी, बंद हो गया? कितना? ढाई बजे खुलेगा। ओके, ढाई बजे से कितना बजे तक? 2-6 बजे तक। ओके चलेगा, थैंक यू। अभी हम लोग आए थे हॉल ऑफ फेम के लिए लेकिन ये बंद हो गया है। आई थिंक लंच ब्रेक रहेगा, 2:30 बजे खुलेगा, 2:30 से अराउंड 6 बजे तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे आराम करेंगे और शाम को निकलेंगे बाकी का सब चीज़ देखने के लिए। तो गाइज अभी हम लोग होटल से बाहर निकल रहे हॉल ऑफ फेम के लिए जाने के लिए, क्योंकि दोपहर को बंद था तो हम लोग होटल में आए और रुके थे। और ये देखो सामने क्या है, याक। बहुत गंदा बस आ रहा था यार उसका। हॉल ऑफ फेम जाएंगे, हॉल ऑफ फेम से वापस शांति स्तूपा, अपना होटल से नज़दीक ही है ना, तो शांति स्तूपा में इवनिंग में अच्छा दिखाई देता, तो इवनिंग में जाएंगे। फिर बाद में जाएंगे मार्केट में, थोड़ा सा सुवेनियर्स वगैरह खरीदी करना। अगर आप ले आएंगे ना तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए, यानी कि श्रीनगर से आगे आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि आपको डीजल बहुत सारा इनहेल करना है, दुनिया भर का डीजल आपको इनहेल करना पड़ेगा। इधर कोई है ना सर्विस करता नहीं है गाड़ियों की, किसकी पड़ी नहीं है, पोल्यूशन का कुछ भी लेना देना नहीं है, बहुत ही गंदा डीजल का स्मेल आते रहता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हॉल ऑफ फेम। दोपहर को आए थे, बंद था, अभी है ओपन है। इसका उस टिकट है, वो टिकट लेते हैं फिर अंदर चल जाते हैं। नो कैश कार्ड ओनली, कार्ड से पेमेंट होगा। कितना टिकट का देखता हूँ, इंडियन सिटीजन 250 रुपीज। तो एंट्री कर रहे हॉल ऑफ फेम में। तो फाइनली हम लोग का हो गया वॉर मेमोरियल देख के, नहीं हॉल ऑफ फेम, वॉर मेमोरियल के वॉर मेमोरियल ही आ रहा था, हॉल ऑफ फेम देख के हो गया। यहाँ पे देखो कितने शहीद हुए ना उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ। तो हॉल ऑफ फेम देख के हो गया है, फोटोज निकाले, शूट नहीं किया था, अलाउ नहीं था शूट करना, तो फोटो निकाले हुए, तो आप देख ही लिए रहेंगे फोटोज, नहीं तो आगे आ जाएंगे। क्या क्या देखने का है यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करो देख लो। हॉल ऑफ फेम देख के हो गया है और अभी जा रहे हैं शांति स्तूपा, यानी कि हमने होटल से ही ऊपर जाने का है, शांति स्तूपा देखेंगे और फिर बाद में जाएंगे ले मार्केट घूमने के लिए वापस आज। तो वो है शांति स्तूपा और हम लोग कर रहे चढ़ाई ये रोड की। जिसको चल के आने का है ना, चल के आने के लिए भी रास्ता है, तो जहाँ पे मैं रुका हूँ ना उसके बाजू से ही वो रास्ता जाता है। वो जो मॉन्क थे ना वो चल के उधर से ही आ रहे थे, ऊपर चढ़ के आ रहे थे, वो थोड़ी गाड़ी से ऐसा है कि वो चल के ज़्यादा करके प्रेफर करते तो वैसा आ रहे थे। और यहाँ से ना पूरा का पूरा ले का नज़ारा दिखाई देता है, ले सिटी का। तो फाइनली पहुंच गए शांति स्तूपा। तो पहुंच गए शांति स्तूपा, तो ये क्या है पहले देखना पड़ेगा, यही है।
हम लोग जाएंगे ना यहाँ पे, आगे ऊपर है ना। और तो यहाँ से ये नज़ारे दिखाई देते हैं, पूरा ले सिटी वहाँ पे। शांति स्तूपा, और हम लोग आ गए मेन बुद्धा टेंपल मेडिटेशन हॉल, यहाँ से अंदर जाएंगे। तो फाइनली पहुँच गए शांति स्तूपा। अभी देखते हैं रील बनाने का, यहाँ पे कुछ है ना, रील बनाएंगे। यहाँ से नज़ारे देखो अलग ही अलग। वो देख उधर एक बुद्धा का स्टैचू बन रहा है शायद से, दिखाई दे रहा है। वो देखो वहां पे, हाँ। तो ये है लेक का व्यू, लेक का व्यू, ऐसा हटते हैं लेक का व्यू। और यहाँ पे हम लोग रुके, ये देखो ये होटल है एग्जैक्ट नीचे, देखो ये पूरा का पूरा ले सिटी है। देखने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, और ये देखो यहाँ से ये व्यू दिखाई देता है, ठीक है। और लद्दाख का जो फेमस है वो थुपका नहीं ट्राई किया, ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए थुपका मंगाया। तो देखे तो मन नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन देखेंगे। चलो ट्राई करो, थोड़ा गरम गरम अच्छा चाहिए इसके लिए। तो हम लोग का शांति स्तूपा विजिट हो गया है, और अभी हम लोग वापस चल पड़े नीचे मार्केट की तरफ। अभी मार्केट में जाएंगे, मार्केट घूमेंगे, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, और फिर होटल में जाएंगे। थुपका खाया ना, थुपका अच्छा था। पहला स्टार्टिंग में हम लोग ने खाया ना तो पसंद नहीं आया, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ने सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया, अच्छा लगा। गरम गरम था ना, मस्त लग रहा था। कुछ नहीं किया ना तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देख रहे हो ना, ये कल मैंने खरीदा ये जैकेट, और ये इसने पहना हुआ जैकेट हम लोगों ने कल खरीदा। मेरा जो रायनॉक्स का राइडिंग जैकेट ग्लव्स था ना, वो गिर गया, किधर गिर गया मालूम नहीं। एक ग्लव्स गिर गया, एक ग्लव्स है, तो इसके लिए शॉपिंग करने के लिए है। और ये जो फ्लैग है ये लिया बाइक्स के लिए, 20 फ्लैग्स लिया है दोस्तों को बांटने का, ऑफिस में देने का। ये भी लिया है थोड़े, ये फ्रिज मैग्नेट लिए, ये लिया है ये वाइफ के लिए लिया, ये बेटे के लिए लिया है। तो ये बहुत सारे सुवेनियर्स हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव है यार, अभी इनका सीजन है तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो चलो लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो ये पूरा सुवेनियर्स है, जैसा मैंने बताया था ये सब कुछ मैंने खरीदा है। अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ से खरीद सकते हो, मेन मार्केट के अंदर ही, लद्दाख की मेन मार्केट में घूम रहे। लेकिन मनाली जैसा बड़ा नहीं है ना ये, है ना, मार्केट मॉल रोड जैसा मनाली का मॉल रोड है वैसा उतना बड़ा नहीं है, शायद से अंदर भी रह सकते, हम लोग ने देखा नहीं है ना। ये है लेह का मस्जिद, जामा मस्जिद लेह लद्दाख। और ये मेन मार्केट में ही है, और यहाँ पे भी मार्केट, यहाँ का भी
बहुत बड़ा है, हम लोग कभी देखा ही नहीं था ना, हम लोग उधर से उधर ही गए थे, चल जाके चेक कर क्या थे। नीडल्स और आटे था, नीडल्स तिकडे ते बनवलं, कशी करणार वाईट आहे, कशी कॅरी करणार, कपडे पण नाही घेऊन जाऊन देत। यहाँ पे देखो कैसा नीटिंग हो रहा है। चेहरा नको घेऊ त्या म्हणते, नाही वो नीटिंग ही लेंगे, फेस नको घेऊ, नीटिंग। भूल गया मैं रास्ता, देखा। सो गाइज, हो गया हम लोग का शॉपिंग, तो अभी जा रहे हैं वापस मार्केट भी घूम लिए, जा रहे हैं होटल में, होटल में जाके डिनर करेंगे, डिनर दिखा देंगे आपको, और जाके पैकिंग करेंगे, बैग पैक करेंगे, क्योंकि अपने को जाने का कल नुब्रा। चलो बाय बाय। सैलेड, पापड़, हॉट एंड सर्व सूप, बहुत गर्म था। फिर ये मशरूम चिली, प्लेन राइस, दाल महाराष्ट्र, राजमा रहेगा, दाल राजमा, मिक्स वेज, पनीर बटर मसाला, एक करी, राइस पुडिंग है, रोटी आएगी बाद में।